हेलो फ्रेंड्स, आई एम जानन। वेलकम टू स्टडी सेंटर। तो आम ओडिया व्याकरण विषय जो आलोचना करूँगा तार व्याकरण आम आलोचना कर संधि विषय रे। तो संधि तो आम आलोचना कर सारी संधिपद क्या कह जाए सब आम आलोचना आगर कर सारी। तो संधि जो प्रकार भेद रही हमें तीनोटी प्रकार देखी गोटे स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो ये तीन प्रकार संधि पद आम देखी आगर। तो से जो प्रकार भेदर आलोचना कर प्रथम स्वर संधि विषय आम आलोचना करपर अच्छे आम व्यंजन संधि विषय आलोचना करवा। तो जो मैंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब न करते तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। ये चैनल टी कौन आर्थिक किंबा कौन बिजनेस प्रपोज रे करा जाए नहीं, केवल ओडिया भाषा एवं साहित्य तथा अन्य जो छात्र छात्री मैंने पढ़ु वंचित रोचे उद्देश्य तैयारी कर। तो तेणुक आज विषय वस्तु आरंभ करवा जोटा रही व्यंजन संधि विषय। तेल आम व्यंजन संधि क्या कह फास्ट तार डेफिनेशन आम देखने। तो डेफिनेशन कौन परस्पर सन्निहित सन्निहित व्यंजन वर्ण सहित स्वर किंबा व्यंजन वर्ण र मिलन को व्यंजन संधि कहा जाए। संधि कौन परस्पर सन्निहित दुईट पदर मिलन को दुईट वर्णर मिलन को संधि कहा जाए। तो से दृष्टिकोण आम स्वर वर्ण जदि केवल स्वर वर्ण उभय परपद और पूर्व पद दुईटा जाक जदि स्वर वर्ण अच्छे स्वर संधि कही थोड़ा। व्यंजन संधि कौन ना गोटे पद जोटा पूर्व पद ये परपद एवं पूर्व पद दुईटा रोज। तो जो पूर्व पद जदि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अच्छे तार परपद स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्ण जेकोसी वर्ण रही तो जदि आम तार संधि कराई कहुए व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि कौन क्या कहवा ना परस्पर सन्निहित व्यंजन वर्ण सहित स्वर किंवा व्यंजन वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहुए। तो ये व्यंजन संधि जदि आम उदाहरण देखा दिग जुग अंत दिग अंत तो ये जो संधि है कौन है ना दिग जुग अंत ये जो कटा कौन व्यंजन वर्ण ये जगह क अ सामान जगह यहाँ क एवं अ मिसला गे परिवर्तन है। तो आम यार नियम अलग अलग अच्छे आम परवर्ती पर्यायर देखा जी क्यों क्यों प्रक्रिया तार संधि करा एवं से संधि करा तार प्रक्रिया कौन रही है से क्यों क्यों नियम अनुसार तार परिवर्तन घटू आम ताको आलोचना करवा। तो आम तार सूत्र आड़ को जीवा प्रथम सूत्र द्वितीय सूत्र जे प्रकार रही। तो व्यंजन संधि कौन जान ला परस्पर सन्निहित व्यंजन वर्ण सहित स्वर वर्ण स्वर किंवा व्यंजन वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहुए। अर्थात व्यंजन वर्ण सहित स्वर किंवा व्यंजन वर्णर मिलन को व्यंजन संधि हो। तो से दृष्टिकोण आम तार प्रथम सूत्र आड़ को गति करवा। प्रथम सूत्र जोटा रही तो बा दो परे तो बा दो परे जदि च किंबा छ अच्छी
ताहले से त बा द स्थान रे त बा द स्थान रे एडा च हुए एवं एटा जो परवर्ती च बा छ एही च सहित युक्त होई च किंबा छ एतार सहित ए युक्त होई जीव ए च किंबा छ सहित युक्त हेबा त जो नियम अनुसार जदि आमे ताको देखिबा त बा द परे च बा छ दिले सही त बा द स्थान रे च हुए प्रथम नियम जोटा आमे व्यंजन संधि र कहू एवं परवर्ती जो च किंबा छ सहित ए च र मिलन घटे तो सही दृष्टिकोण रे जदि तार आमे उदाहरण देखिबा उत युक्त चारण ए जीव कौन उच्चारण उच्चारण तापर चलत चलत जुग चित्र चल चित्र तो आम जो नियम कहला त बा द परे उत ए जगह प्रथम कौन अच्छी त अच्छे तपे कौन अच्छी च बा छ थे ए जगह कौन अच्छी च अच्छी तो ये जगह कौन है ये त बा द परे जदि च बा छ चीजें जदि तापर परवर्ती वर्ण जदि पुणी च अच्छे तो यहाँ भी च रहा तो दुईटा जाक च मिसला पर च चरे परिवर्तन होला तो प्रथम नियम जोटा आम कह त बा द परे च बा छ थे त बा द स्थान रे च हुए एवं से च परवर्ती च बा छ सहित मिलित हुए तो ये जगह चलत जुग चित्र चलचित्र जोटा है जगह आम देखु ये त अच्छी तापर यहाँ भी च आम त बा द परे च अच्छी तपर च अच्छी तापर से चटा ये जगह जो च अच्छी तो ये ये हो च आ ये हिजिब च दुईटा जाक च मिसला पर च चरे परिवर्तन होला दुईटा जाक से अनुसार जदि आम देखा को जीवा से रूप से यार परिवर्तन घटी त बा द परे च बा छ थिले त बा द थाना रे च हुए एवं से च परवर्ती च सहित मिसी परपद रे लेखा हुए तो से नियम अनुसार से प्रकार आम जगह देखला तापर तार द्वितीय सूत्र आड़क आम गति करवा प्रथम सूत्र देखला द्वितीय सूत्र कौन कौच त बा द परे त बा द परे ज बा झ थिले आम देखु त बा द परे ज किंबा झ थिले से ज बा झ स्थान रे ज हुए ज बा झ स्थान रे ज हुए त बा द परे ज बा झ थिले ज बा झ स्थान रे ज हुए अर्थात एवं ताहा ज बा झ सहित एटा युक्त हो जीव ये आउ ये दुईटा जाक युक्ताक्षर हिसाब से लिखा जाए तो जोटा संधि नियम अनुसार जो आम कौच तो ये जगह जी आम देखा उत जुग चल ये उ जल ए जगह कौन कही त बा द परे ज बा जी आम प्रथम सूत्र अनुसार ये जगह त अच्छी तापर ये जगह भी ज अच्छी तो यहाँ कौन हो जब है ज हम तो ये जगह जो ज अच्छी ये पुणी ज सहित मिसला ये ज ज दुईटा जाक ज हम तटा परिवर्तन हो जा ज निके एवं ई जो जो जटा रहा एटा प्रथम ज एटा हला ज एवं ई ज दुईटा जाक ज हला जगह ज ज ज हला मु जो मात्रा रही से मात्राटा से जगह रही थी तो एटा हिजबो उज्ज्वल से परे एपरि अनेक शब्द रही एपरि विपद जुग झड़ विपद झड़ तत् जुग झर तत् जुग झर तझर तो ये जो आम देखला तत् जुग झर त बा द परे एटा जरे परिवर्तन हो जीव त बा द परे ज बा झ थिले ज स्थान रे ज त बा द ज बा ज स्थान रे ज हुए तो सही अनुसार जदि मैं ये जो एटा एटा परिवर्तन हेबा ज के एवं एटा जो झ अछि सेटा संगे युक्त हेबा एवं ज एवं झ जोटा रहिछि तो ये
सॉरी ये दटा सी अनुसार ज जगार परिवर्तन हम यहाँ जटा एवं ज आ झ से जगार परवर्त पर्यायर लिखा जीव तज जुग झर तर से आम विपद जुग जनक विपद जनक अनेक शब्द एपरी हवा जावत जुग जीवन जाव जाव जीवन तो ये जगह आम एटा कौन है ये तटा जरे परिवर्तन आउ जटा जरे रहा तो दुईटा ज ज मिसिक ज ज ज रहा तो जो मात्रा रही से मात्रा अनुसार से जगह परिवर्तन है तो एमती आम तार द्वितीय सूत्र आड़क कला जदि तार तृतीय सूत्र आड़क जावा तृतीय सूत्र सूत्र नंबर तीन को जीवा जिते बेले त वा द परे जदि ह थाए त वा द परे जदि ह थाए त वा द परे जदि ह थाए तेबे दुहे मिसि द द ध वन्त तापरे ए सब मिसि करे द द द रे परिवर्तित होंती जेपरि हमें उत युक्त दार उद्धार तत्जुग हित उत युग हित उद्दित तो यह प्रकार परिवर्तन होते तो यहाँ त बा द पर जदि ह अच्छे यहाँ दद दर परिवर्तन हुए त एवं द आ ये जो मिसीगला पर दद दर परिवर्तन हुए ये प्रकार तृतीय सूत्र जो नियम कहता तो ये जगह आम जो चतुर्थ सूत्र आड़ को जीवा चतुर्थ सूत्र कौन कहूँ चतुर्थ सूत्र चतुर्थ सूत्र आम जो देखुचु त बा द परे जदि ल अच्छी तो त बा द स्थान रे त बा द स्थान रे ल हवा तो दुईटा जाक ल जगह ल ल ल रे परिवर्तन हवा ए ल ल दुईटा जाक मिसला परे तो से नियम अनुसार जदि आम देखा उत उत जुग लेख उल्लेख रे परिवर्तन हवा से प्रकार उत जुग लग्न उत जुग लग्न एटा कौन हवा उत जुग लग्न उच्चुक लग्न लग्न तो ये प्रकार भाव परिवर्तन होगा त बा द परे जदि ल अच्छे से त बा द स्थान ल हे और दुईटा जाक ल मिसिक ल ल ल रे परिवर्तित हो पूरा तत्जुग लग्न तत्लग्न उच्चुक लास उल्लास ये प्रकार परिवर्तन होगा जोटा चतुर्थ सूत्र आमको कहला आम तार पंचम सूत्र आड़ को गति करवा संक्षिप्त कहा जाए जो गुड़िक बुझी नहीं हम कमेंट बॉक्स कमेंट करूँ मु निश्चय तार उत्तर देवी पंचम सूत्र आड़ को जीवा पंचम सूत्र कौन कह त बा द स्थान द पर जदि तालव्य स थाए ताले ए त बा द स्थान रे त बा द स्थान रे च हेबो एवं ए तालव्य स स्थान रे च हेबो तालव्य स स्थान रे च हेबो एवं त बा द स्थान रे च हुए
एवं छ छ मिसी करी छरे परिवर्तन ए दुईटा जक मिसी जेबे एवं छरे परिवर्तन हेबे जोटा कि जगह आम देख त बा द पर जदि तालव्य स अच्छे त बा द स्थान च हुए तालव्य स स्थान छ हुए दुईटा जाक च एवं च छ मिसिकी जगह छरे परिवर्तन हेबे एवं तापर जोटा परिवर्तन हेला पर आम किपर ताकु संधि हो ताकु आम देखिबा मृत युग सकटिक मृच्छ कटिक मृच्छ कटिक मृत युग सकटिक मृच्छ कटिक जोटा कि आम देखु मृत ये जगह कौन कह दरे जदि तालव्य स अच्छे आम ये जगह तालव्य स अच्छे त पर तालव्य त जगह कौन हो चीज एवं ये जगह तालव्य स अच्छे तालव्य स जगह छ दुईटा जगह जुग हे छे परिवर्तन हे एवं जिते बेले छ छ ये जगह दुईटा जाक परिवर्तन होगा पर जगह छ एवं ई छ दुईटा जाक मिसला पर जगह आ गोटे छ दुईटा मिसला पर छ छे परिवर्तन मृच्छ कटिक से प्रकार उत्शृंखला उच्छृंखला उद्युग श्वास उच्छ्वास उद्युग श्वास उच्छ्वास ए प्रकार परिवर्तन होते आम तार षष्ठ सूत्र आड़क गति कर सूत्र नंबर छ कौन कह बर्गर प्रथम वर्ण पर आम बर्गर प्रथम वर्ण पर जदि स्वरवर्ण बर्गर तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण किंबा किंबा ज र ळ ह थिले यदि ह अच्छे प्रथम वर्ग वर्ण स्थान रे सही वर्गर तृतीय वर्ण हुए तैतिले प्रथम वर्ण स्थान रे सही वर्गर सही वर्गर तृतीय वर्ण हुए सही वर्गर तृतीय वर्ण हुए एवं परे स्वर वर्ण थिले ताहा सही तृतीय वर्ण से युक्त हुए परे स्वर वर्ण थिले से तृतीय वर्ण सहित युक्त स्वर वर्ण सहित तृतीय वर्ण युक्त होकर युक्ताक्षर आकार में परिप्रकाश पाइब तो ये जो वर्ण अनुसार आम जदि कौश तार ज्वलंत उदाहरण आम देखा दिक् युग अंत दिगंत आम सूत्र कौन कह वर्गर प्रथम वर्ण पर स्वर वर्ण थे वर्गर प्रथम वर्ण क वर्गर प्रथम वर्ण क परे जदि स्वर वर्ण अच्छे अमान तार नियम अनुसार गल वर्गर तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण कि जर अल आम स्वर वर्ण प्रथम वर्ण पर जदि स्वर वर्ण वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण जदि वर्गर तृतीय चतुर्थ वर्ण अच्छी किंवा स्वर वर्ण अच्छी किंवा जर अल अच्छे से ही वर्गर तृतीय वर्ण हाँ से ही वर्गर तृतीय वर्ण ये जगह कौन है यह गरे परिवर्तन हेबा क वर्गर तृतीय वर्ण क ख ग गरे परिवर्तन हेबा एवं ताहा परवर्ती स्वर वर्ण ए जगह जोटा अ अच्छे ए जगह ग हो जाव तो दुईटा जाक वर्ण युक्त हे तो दिग्जुग अंत दिगंत परिवर्तन हे
तो सी वर्गर तृतीय वर्ण सहित स्वर वर्ण और तृतीय वर्ण ग सहित युक्त हे तो दुईटा जाक युक्त है सी वर्गर तृतीय वर्ण रूपे परिवर्तन हे तो सीटा ये जगह परिवर्तन है से अनुसार सेमती जदि आम देखा कौन कर उद्युग जापन त थ द आम ये जगह कौन त अच्छी आम जोटा कह वर्गर प्रथम वर्ण त वर्ग प्रथम वर्ण तापर जदि स्वर वर्ण अच्छे स्वर वर्ण ये जगह ना जदि तार द्वितीय कह वर्गर तृतीय चतुर्थ से अनुसार भी ना आम ये जगह देख ज र जगह ज अच्छे तो सहीटा हो कौन से ही वर्गर प्रथम वर्ण स्थान से ही वर्ग तृतीय वर्ण हे ये जगह त जगार त थ द ये जगह द होपर ता स्वर वर्ण द सहित जर तापरी जी स्वर वर्ण अच्छी से जगह युक्त हे तो ये जगह जटा ज आकार मात्रा जेहेतु अच्छे से प्रकार रही से प्रकार तटा दरें परिवर्तन होकर उद्यापन परिवर्तित हो दिग जुग विजय दिग्विजय सदुग इच्छा सदिच्छा ये प्रकार उपरे तार परिवर्तन घटी थाए तो यहाँ व्यंजन वर्ण रतोटी विशेष सन्धि व्यंजन वर्ण व्यंजन सन्धि विषय आम आलोचना करूला केतोटी आम आलोचना करागला ता परवर्ती क्लास रे एवं यार द्वितीय पार्ट टे आलोचना करवा तो आज क्लास ये परिसमाप्त करवा धन्यवाद समस्त को देखु दयाक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ।